हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटन के लेवल्स के बारे में। टाइटन का जो जो स्टॉक है वो 1586 के लेवल से जो इसमें वहाँ से लगातार गिरावट आ रही है, तो वो गिरावट जो है अब अपने एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है उसके नियर बाई में ही डाउन साइड में इसके अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो उस सपोर्ट लेवल को इस वीडियो में टाइटन के आपसे डिस्कस करेंगे, जिसका कि आप पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएंगे। उस सपोर्ट लेवल से अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिलता है, तो ज़रूर ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती हुई साबित होगी टाइटन में। तो वीडियो को पूरा देखें और लेवल्स को नोट करके रखें, तभी वो लेवल आपके माइंड में रिमाइंड रहेंगे, तब उसका आप पूरी तरह से फ़ायदा ले पाएंगे। तो सीधे चलते हैं टाइटन के चार्ट में, जहाँ पर कि मैं आपको बोल ही रहा था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7 to 8 days में ही इसमें 1586 के लेवल से जो है 1588 का हाई लगा के जो लगातार वहां से गिरावट आप देख रहे हैं कि लगातार बियरिश कैंडल ही आपको देखने को मिल रहा है पिछले 7-8 दिनों से। ये जो टॉप लगा था वहां से, जो कि पहले से रेजिस्टेंस ही था, जैसा कि आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को फेस करके इसमें गिरावट आ रही है, जो कि अब नीचे में हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा के रख दी है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये नियर बाय में ही एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पर कि इसका सपोर्ट पहले मैं आपसे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, 1420.3 1416.5 ये सपोर्ट लेवल है इसके, जो कि बहुत तगड़े सपोर्ट लेवल हैं। इसे ज़रूर नोट करके रखें, क्योंकि टाइटन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सपोर्ट लेवल अभी भी एज इट इज़ वैलिड इसलिए हैं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे, अगर रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखते होंगे, जैसा कि हम जो भी स्टॉक में जो भी लेवल पहले से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो लेवल टेस्ट नहीं हुए रहते, बट हम पहले से ही आपको आपके साथ उन लेवल्स को शेयर कर देते हैं, ताकि वो कभी भी आपसे मिस ना हो। तो ये वीडियोस आप जाके देखें, जिसमें अभी भी बहुत सारे लेवल्स स्टिल वैलिड हैं, जैसा कि रिलायंस में हो, चाहे ये RTC में हो, आप जाके देखें और लेवल्स को नोट करके रखें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइटन में जो ये वाली गिरावट लगी थी, ये अपर साइड में जो ये गिरावट हुई थी, तो इस एरिया में भी हमने आपको हिंट किया था। आप वीडियो जाके सर्च करें, टाइटन में हमने एक ही वीडियो इससे पहले बनाई है, जो कि ये जो एरिया, यही एरिया आपको इंडिकेट किया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और आप देख सकते हैं कि इस एरिया से किस तरह से रिवर्सल आई और वहाँ से फिर बहुत ही जल्दी गिरावट होकर सेम लेवल को फिर टेस्ट करने वाला है। तो ये लेवल फिर से स्टिल उसी तरह से वैलिड रहेंगे, जैसा कि इस ये वाली जो गिरावट हुई थी यहाँ पर, ये जिस तरह से लेवल वैलिड थे, तो सेम एज इट इज़ अभी भी उसी तरह से सेम 1420.3 1416.5 का जो लेवल है, सपोर्ट लेवल है RTC में, अभी भी स्टिल वैलिड है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि टॉप के लेवल से आप देख सकते हैं कि बड़ी जल्दी इसमें ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 150 रुपीज़ समथिंग की गिरावट आ चुकी है अभी तक, तो टॉप के लेवल से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने वाला है, यहाँ से थोड़ी बहुत भी अगर रिवर्सल आती है, तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इस सपोर्ट लेवल को ज़रूर वॉच कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर प्राइस हॉल्ट करता है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर टाइटन जाने की कोशिश ना करे और इसके ऊपर में ही ट्रेवल करता रहे, या फिर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आके अटक जाए या इसके नीचे में जाने की जो है कोशिश ना करें, तो ज़रूर आप यहां से बाइंग करके कुछ रिवर्सल का फ़ायदा ले सकते हैं। जहां पर कि मैं आपको बता दूं कि 1420 के लेवल से अगर इसमें इस प्राइस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, इसका जो प्राइस है वो, तो यहां से आपको मिनिमम 30 to 50 रुपीज़ तक की आप मूव या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकती है। तो इन बातों को और लेवल्स को भी नोट करके रखें और वॉच करें, वेट करें, लेवल्स पे आता है तभी ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। और वीडियो अगर पसंद आए, लेवल्स अगर पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी लेवल्स हम आपके साथ रेगुलरली डिस्कस करते ही रहते हैं, जिसमें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं IRCTC का भी लेवल हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, जिसमें कि आपको नीचे से बाइंग भी दिया था IRCTC को, और इसके ऊपर जब ये एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने वाला था, वहाँ पर भी आपको इंडिकेट किया, और वहाँ से गिरावट भी आ रही है इंटरडे बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें।